गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल हमारा हिंदुस्तान में। मैं हूं शिवम, ये है उज्जवल। गाइस, आज हम आपको जिस जगह का एक्सप्लोर करने जा रहे हैं वो गया का बहुत ही प्रसिद्ध पहाड़ है, जिसका नाम है रमजौनी पहाड़। ये गया के मारनपुर मोहल्ले में स्थित है। तो चलिए गाइस, हम आपको दिखाते हैं यहां की खासियत और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, कुछ सीढ़ियां चढ़ते ही आपको सबसे पहले यहाँ पे कुछ देखने को मिलेगा। कुछ मूर्तियां हैं और कुछ देवी माँ के और भगवान गणेश की मूर्तियां, जो कि काले पत्थरों से निर्मित है, आप देख सकते हैं। और ये पत्थरों पे ये पेंट किया हुआ है वाइट और रेड में। काफी पुराने पत्थर है इधर। इधर काफी प्राचीन पत्थरों से, काले पत्थरों से सारा ये निर्मित है। और फिर यहाँ से चढ़ते ही बस कुछ सीढ़ियों के बाद, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये हनुमान जी की मूर्ति है यहाँ पर। ऐसा एक मंडप जैसा यहाँ पे डिजाइन बनाया गया है। अब चलते हैं ऊपर की ओर। ये चट्टान है, चट्टानों से बनी गुफा, जिसमें से स्लाइड करके आप ऐसे नीचे और यूं नीचे की ओर। इसका जो बोलते हैं कि ब्रह्म जून, इसको ब्रह्मा और सावित्री मिलकर के इस जगह पर पार किए थे, ये स्थान पे। इसी को बोलते हैं मातृजोनी, जो कहते हैं मातृजोनी पितृजोनी। यही गुफा है, यहाँ से होके उसके बाद ब्रह्म कुंड में जा कर के स्नान किए थे। स्नान करने के बाद तब ऊपर गए, और ऊपर जाने के बाद जग किए। जग करने के बाद तो इसी का नाम हो गया ब्रह्मजोनी और एक मातृजोनी। तो ये पार होने से ये सातों जोनी से कटित होता है। अच्छा, ये गुफा पार होने से? हाँ, ये आत्मा को शांति प्राप्त होती है। उस गुफा के ऊपर ही बस कुछ सीढ़ियां और है। अब ऊपर यहाँ बस कुछ सीढ़ियां और है, बाकी आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ से आपको बहुत ही अच्छा नज़ारा देखने को मिलेगा। और देख सकते हैं, ये वो कुंड है जिसको माना जाता है कि भगवान ब्रह्मा और माता सावित्री ने यहाँ स्नान किया था। ये वो कुंड का जगह है। ४४० सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद मंदिर परिसर में फाइनली हम आ चुके हैं। ये मंदिर परिसर में
440 सीढ़ियां चढ़ने के बाद जब आप मंदिर परिसर में आते हैं तो यहाँ पे आराम करने के लिए बैठने के लिए काफी अच्छा जगह बनाया गया है। अभी हम लोग जा रहे हैं उस पत्थर के पास जो आपको यहाँ से दिख रहा होगा, क्योंकि इस चोटी पर मतलब एक आखिर में कुछ पॉइंट से जुड़ करके वो खड़ा है। दोस्तों आप देख सकते हैं कि कितने से सपोर्ट में खड़ा है। एक आपको अगर सामने दिख रहा होगा तो वो देखिए आप कि वो एक छोटे से सपोर्ट में सिर्फ वहां पर ये टच है, और ये एक जगह है जहां पर ये टच है सिर्फ पत्थर से। उसके अलावा ये कहीं पर भी सटा हुआ नहीं है। आप यहां भी देखो, ये भी यहां पे गैप है, पूरा बीच में आपको दिख रहा होगा कि पूरा खोखला जैसा है, नीचे से भी पूरा खाली है ये, और सिर्फ ये कुछ सपोर्ट से इतना बड़ा चट्टान जो आपको दिख रहा है, और इसको हम लोग काकशील के नाम से जानते हैं। भगवान बुद्ध की कुछ मूर्तियां बनने वाली हैं, उनका टेंपल बनने वाला है यहाँ पे। आप देख सकते हैं काफी जोर शोर से काम लगा हुआ है और काफी अच्छा आकृति दिया गया है इसे। तो गाइस आपको ये वीडियो कैसी लगी है आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। इस पहाड़ का वो कौन सा नज़ारा आपको सबसे ज़्यादा लुभाया है, सबसे ज़्यादा पसंद आया है, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर लें, और फ्रेंड्स और फैमिली में इसको शेयर ज़रूर कर लें, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लें एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। तब तक के लिए थैंक यू।